पर हमें व्हाइट माइक मिल जाता है एंड आप इसे कनेक्ट कर कर सिंगिंग भी कर सकते हैं। देख लीजिए बहुत अच्छी आवाज आ रही है इस पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम CMAX के 4.1 मल्टीमीडिया स्पीकर की अनबॉक्सिंग। दोस्तों अगर आपका 5000 से कम का बजट है एंड आप इस प्राइस पॉइंट में 4.1 मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम परचेज करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आप ये वाले मॉडल को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यार इस पर हमें 110 वॉट RMS का साउंड आउटपुट मिल जाता है, जो कि यार मेरे हिसाब से काफी बेस्ट है। सो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है CMAX ST W9898 BT। एंड दोस्तों अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 4600 रुपीज। अगर आपको ये मॉडल को परचेज करना है तो डेफिनेटली आप गुप्ता रेडियो से इस मॉडल को परचेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में गुप्ता रेडियोस का फोन नंबर एंड एड्रेस मेंशन कर दूंगा। अगर आपको परचेस करना होगा तो जरूर से परचेस कर लीजिएगा। एंड दोस्तों गुप्ता रेडियोस पर आपको COD की फैसिलिटी भी मिल रही है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। दोस्तों आपको स्टार्टिंग में 500 रुपीज एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी एंड बाकी की पेमेंट तब करनी पड़ेगी जब आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा, यानी कि 4100 रुपीज आपको जब प्रोडक्ट रिसीव होगा तब करनी पड़ेगी, 500 रुपीज आपको एडवांस पे करनी पड़ेगी। सो ये फैसिलिटी भी हमें काफी बढ़िया मिल जाती है। एंड दोस्तों मजे की बात इस पर हमें एक और लगी है, इसका जो सबवूफर है वो हमें 8 इंच का मिलता है। तो सोच लीजिए यार बेस क्वालिटी कितनी बढ़िया हमें मिलने वाली है। एंड दोस्तों इस पर हमें वायर्ड वाला माइक भी मिलता है बॉक्स के अंदर। सो ओवरऑल यार काफी बेस्ट डील ये हो सकती है। सो सबसे पहले दोस्तों इसे पूरा अनबॉक्स करते हैं एंड आपको पूरा डेमो देता हूं मैं इसका, एंड फिर उसके बाद मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो आपने वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। एंड दोस्तों अगर आपको इस मॉडल के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो दोस्तों वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों ये है हमारा CMAX 4.1 मल्टीमीडिया स्पीकर का बॉक्स। एंड देख लीजिए दोस्तों यार बॉक्स पर भी मेंशन करा हुआ है कि यार ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो ये चीज अच्छी लगी कि यार बॉक्स पर CMAX पूरा क्लियर मेंशन करके हमें देता है कि यार ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। एंड देख लीजिए मॉडल का जो है पूरा डिजाइन हमें बना हुआ मिल जाता है बॉक्स पर, एंड मॉडल नंबर भी मेंशन करा हुआ मिल जाता है। एंड दोस्तों बॉक्स के इस साइड पर देख लीजिए हमें मेंशन करा हुआ मिलता है कि यार इस पर हमें कैरियोके मिल जाता है, यानी कि वायर वाला माइक मिल जाता है साथ में। एंड दोस्तों इस पर हमें ब्लूटूथ का भी सपोर्ट मिल जाता है, 8 इंच का सबवूफर मिलता है एंड 3 इंच के 4 सैटेलाइट पर ड्राइवर लगे हुए मिल जाते हैं। सो सबसे पहले बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं एंड फिर आपको हर एक चीज़ को डिटेल पर दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों बॉक्स हमारा ओपन हो गया है, अब हम आपको हर एक चीज़ को डिटेल पे दिखाते हैं। दोस्तों देख लीजिए हमें वायर्ड वाला माइक बॉक्स के अंदर मिल जाता है, हमें RC2 3.5 mm केबल भी मिलती है, साथ में दोस्तों हमें FM एंटीना केबल भी मिल जाती है। एंड दोस्तों हमें रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, रिमोट कंट्रोल के थ्रू भी दोस्तों हम अपने सिस्टम को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। सो हम आपको रिमोट कंट्रोल को पूरे डिटेल में दिखा रहे हैं। दोस्तों रिमोट कंट्रोल से देखिए हम मोड्स को चेंज कर सकते हैं, इक्वलाइजर को भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी दोस्तों आप रिमोट कंट्रोल का एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा ताकि आपको और डिटेल में पता लग सके। एंड बिल्ड क्वालिटी भी दोस्तों रिमोट कंट्रोल की हमें डिसेंट मिल जाती है। चलिए दोस्तों अब हम आपको सैटेलाइट स्पीकर को भी अनरैप करके पूरा डिटेल में दिखाते हैं। दोस्तों हम एक ही सैटेलाइट स्पीकर को आपको पूरे डिटेल में दिखाएंगे, बाकी के सैटेलाइट स्पीकर हमें सेम इसी की तरह डिज़ाइन पर मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने सैटेलाइट स्पीकर को पूरा अनरैप करके रख लिया है। देखिए यार दोस्तों इसका डिज़ाइन हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। सामने की तरफ से दोस्तों हमें 3 इंच का इस पर ड्राइवर लगा हुआ मिल जाता है, नीचे से देख लीजिए CMAX की ब्रांडिंग हमें मिलती है। एंड सामने की तरफ से देखिए यार दोस्तों कितनी ग्लॉसी फिनिशिंग हमें मिल जाती है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है ये। ओवरऑल यार दोस्तों डिज़ाइन में तो मज़ा आ गया। एंड देख लीजिए अब मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ एंड नीचे से देख लीजिए हमें स्टैंड भी मिल जाता है इस पर। एंड मजे की बात दोस्तों हम इसे वॉल माउंट भी कर सकते हैं, तो यार ये चीज़ भी हमें काफ़ी बढ़िया लगी इस पर। आप एज अ स्टैंड पे भी रख सकते हैं, वॉल माउंट करके भी रख सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इस पर। बाकी डिज़ाइन भी यूनिक है एंड काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। बिल्ड क्वालिटी भी दोस्तों मुझे ठीक लगी है। एंड नीचे से देख लीजिए रबर पैडिंग भी लगी हुई हमें इस पर मिल जाती है। सारे सैटेलाइट स्पीकर इसी की तरह डिज़ाइन में हमें मिलते हैं। चलिए दोस्तों थर्माकोल को बाहर निकालते हैं एंड सबवूफर को बॉक्स से बाहर निकाल के अनरैप करके आपको पूरे डिटेल पे दिखाते हैं।
तो देखिए दोस्तों यार, हमने सबवूफर को भी पूरा अनरैप कर दिया है। दोस्तों यार, इसका डिज़ाइन भी हमें काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देख लीजिए दोस्तों, टॉप पर सनमाइका की कितनी बढ़िया फिनिशिंग हमें दे रखी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। अब दोस्तों मैं आपको फ्रंट साइड को डिटेल में दिखा रहा हूँ। देख लीजिए, सबसे पहले हमें बेस रिफ्लेक्स सिस्टम मिल जाता है, यानी कि होल जहाँ से एयर पास होगी। बट दोस्तों यार, इसके अंदर हमें कोई भी प्रोटेक्शन लगा हुआ नहीं मिलता है। एंड देख लीजिए दोस्तों, हमें LED डिस्प्ले एंड नीचे से सीमैक्स की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। दोस्तों मतलब बिल्ड क्वालिटी वाइज अच्छा लग रहा है, बट यार प्रोटेक्शन अगर मिलता है सामने की तरफ से तो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता। एंड दोस्तों इस साइड पर देख लीजिए, हमें बटन स्पोर्ट्स मिल जाते हैं, मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। देख लीजिए दोस्तों, हमें मोड का बटन मिलता है, प्ले पॉज प्रीवियस नेक्स्ट के बटन मिलते हैं, USB पोर्ट मिलता है, FM एंटीना पोर्ट मिलता है। एंड दोस्तों हमें नोब्स भी इस पर मिल जाती है, बेस के लिए, ट्रेबल के लिए एंड वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। दोस्तों देख लीजिए, वायर्ड वाला माइक के लिए भी हमें पोर्ट मिल जाता है। एंड नीचे से देख लीजिए, ऑडियो इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट हमें मिल जाते हैं, साथ में हमें पावर ऑन ऑफ का स्विच भी इस पर मिल जाता है। एंड दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई दिया था कि यार इस पर हमें 8 इंच का सबवूफर लगा हुआ मिल जाता है, जो कि यार मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट में और कोई भी मॉडल पर देखने को नहीं मिलता है। सो मेरे हिसाब से यार बेस क्वालिटी तो इसकी काफ़ी तगड़ी हमें मिलने वाली है। ऊपर से दोस्तों यार पूरा कैबिनेट हमें वुडन का मिलता है, सो हार्ड थम्पिंग बेस इफेक्ट तो हमें इस पर मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब अपने सिस्टम को पावर ऑन कर लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों, जैसे हमने पावर ऑन करा, डिस्प्ले पर शो होने लग गया है। एंड नीचे से देख लीजिए, LED लाइट इफेक्ट्स भी हमें कितना बढ़िया इस पर मिल जाता है। देख लीजिए दोस्तों, अभी हम मोड्स चेंज करके दिखा रहे हैं। देख लीजिए, ये है हमारा FM मोड, ऑक्स मोड एंड ये है ब्लूटूथ मोड। अब दोस्तों हम इसकी टॉप वॉल्यूम आपको दिखा देते हैं। तो इस पर दोस्तों 50 तक की हमें मैक्स वॉल्यूम मिल जाती है। सो यार वॉल्यूम भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिल रही है इस पर। बाकी दोस्तों यार, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई दिया था कि इस पर हमें इनबिल्ट इक्वलाइजर मिल जाता है, सो हम इक्वलाइजर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसका साउंड डेमो दे देते हैं। तो देख लीजिए, हमने अपना फोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है। प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिए, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। और दोस्तों एक खास बात और लगी कि यार माइक भी हमें बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है, तो ये चीज भी काफी प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस मॉडल का साउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपको क्लियर पता लग गया होगा कि इस मॉडल पर हमें एक्चुअल पे कितना पावरफुल साउंड आउटपुट मिलता है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके बताइएगा। एंड दोस्तों अगर आप चाहेंगे कि यार इस मॉडल का मैं डिटेल पे साउंड टेस्ट लेकर आऊँ, सो मुझे ज़रूर से कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि यार आपके लिए एक डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो भी लेकर आ जाऊँ। सो यार अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि दोस्तों यार वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोल दिया था, दोस्तों अगर आपका बजट 5000 तक का है एंड आप इस प्राइस पॉइंट में कोई बढ़िया 4.1 मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम परचेज करने की सोच रहे हैं तो ये मॉडल काफ़ी बेस्ट है। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपसे एंड में भी कहना चाहूँगा, दोस्तों यार मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी डील है। साउंड क्वालिटी बहुत ही कमाल की हमें मिलती है, चाहे वोकल्स हो, क्लियरिटी हो, लाउडनेस हो, बेस क्वालिटी हो, हर एक चीज़ हमें काफ़ी तगड़ी मिल जाती है। स्पेशली दोस्तों आपको बेस क्वालिटी में तो मज़ा आ जाएगा, मतलब इस प्राइस पॉइंट में ये मॉडल
बहुत ही तगड़ा बेस आउटपुट हमें देता है, जिससे मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा। एंड लाउडनेस भी दोस्तों बहुत कमाल की हमें मिल जाती है, सो मतलब साउंड क्वालिटी वाइज आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। एंड दोस्तों फीचर्स वाइज भी मुझे ये सही लगा है, सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं। एंड यार सबसे प्लस पॉइंट दोस्तों हमें इस पर वाइड माइक भी मिल जाता है साथ में। अगर आप सिंगिंग करने के शौकीन हैं तो ज़रूर से आप इस मॉडल के साथ सिंगिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको 4.1 मल्टीमीडिया स्पीकर ही चाहिए एंड आपको सिंगिंग भी करनी है तो तभी भी ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि आप सबको पता है यार टावर स्पीकर्स पर ही हमें वैसे माइक का ऑप्शन मिलता है, बट दोस्तों इस पर हमें मिला हुआ है तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों अगर आपको इस मॉडल के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो ज़रूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम के आईडी का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।